यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने अभी कल जो है एक चैप्टर खत्म किया था, विच वॉज द फोर्थ चैप्टर, एंड फोर्थ चैप्टर वॉज अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और मैंने आपको उसके यूजेस बताए थे। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन सम डेफिनेशंस आल्सो, लाइक केमिकल रिएक्शन, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एलिमेंट्स जो है वो कितने टाइप्स के थे, थ्री टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। एक डेफिनेशन और मैंने आपको बताई थी किसकी, मेटलॉइड की, सिलिकॉन, जर्मेनियम, विच वर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो उनको क्या बोला गया था, उनको मेटलॉइड बोला गया था। ओके, तो चैप्टर तो खत्म हो गया, और आई हैव ऑल्सो सेंडेड यू द पीडीएफ। आपको मैंने पीडीएफ फाइल सेंड की थी, और उस पीडीएफ फाइल्स में आपको पेज नंबर सेकंड, पेज नंबर थर्ड जो है वो मिल गया था। अभी आज आपको एक फोर्थ पेज और मिलेगा, जिसमें एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर दैट आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर द चैप्टर फोर। फिर मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम, विच इज चैप्टर नंबर 5। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर के बारे में, चैप्टर 5 के बारे में, विच इज कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशन के बारे में देखिए। द फर्स्ट डेफिनेशन, द फर्स्ट वर्ड वी आर यूजिंग इन दिस चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज हमारे आस पास है, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है जो ह्यूमन एक्टिविटीज में काम आ सकती है, दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन या जो एनिमल्स हैं वो जिस भी तरह के रिसोर्स को यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, दीज आर द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स विच आर यूज बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, विच आर यूज बाय द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जैसे कि लैंड हो गया, एयर, वाटर, सनलाइट, इसके अलावा एनिमल्स, एनिमल्स को भी हम लोग यूज करते हैं, उनकी स्किन का यूज किया जाता है, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं किसी डिजीज की वजह से या किसी भी कारण से, तो उनके जो स्किन है उसको हम लोग लेदर बनाने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी यूजेस हैं एनिमल्स के, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी। तो एनिमल्स भी ह्यूमन के लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। जो एनिमल्स हैं वो भी क्या है, ह्यूमन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर के अंदर मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, हमें उनको बनाना नहीं पड़ता। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो नेचर में अपने आप बने हैं और जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं, एनिमल्स यूज कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज क्या होंगे, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, दीज आर द मैन मेड रिसोर्सेज। जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं वो कौन से होंगे, वो मैन मेड रिसोर्सेज होंगे जो ह्यूमंस ने बनाए हैं खुद की एक्टिविटीज के लिए खुद को। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नेचर में भी दिखाई देता है, इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना, लाइटनिंग होती है ना, थंडरस्टॉर्म आता है, तूफान आता है, उस समय लाइटनिंग होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना दिखाई देते हैं। लेकिन हमने पावर प्लांट्स बना लिए, उन पावर प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ह्यूमन, ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये है नेचुरल रिसोर्स, तो वो थे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। सॉरी, जो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बता रहा हूँ पावर प्लांट के थ्रू, दैट इज आर्टिफिशियल रिसोर्स। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, हो सकता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में हो सकता है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हो। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेंगे, और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलेंगे, आप जितना भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होंगे, वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब है कि वो खत्म नहीं होंगे, लाइकली टू बी, नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट, जो खत्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटी से। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। दीज कैटेगरीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हिंदी में मीनिंग समझ लीजिए, इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है जो लिमिटलेस है, जो खत्म नहीं होंगे, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल का मतलब है जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसके नेम से ही आपको पता लग जाएगा कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी,
ये रिसोर्सेज नेचर में प्रेजेंट हैं, नेचर में प्रेजेंट हैं इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, इन अनलिमिटेड क्वांटिटी मतलब आप इसको जितना यूज करना चाहें कर सकते हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये खर्च नहीं होंगे, ये खत्म नहीं होंगे, रिन्यू भी हो सकते हैं दोबारा, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। देखिए लिखा हुआ आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज, बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज से ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर, सनलाइट, सन से जो एनर्जी आ रही है सोलर एनर्जी, तो आप सनलाइट बोल सकते हैं या सोलर एनर्जी बोल सकते हैं। तो सोलर एनर्जी आप उसको जितना भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। अब जैसे कि डेजर्ट है, थार डेजर्ट है राजस्थान के अंदर, ये जो डेजर्ट है ये एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ जूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सन से जो एनर्जी आ रही है बिलियंस ऑफ जूल की एनर्जी पर सेकंड में आ रही है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है कि आप उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स हैं वो उस एनर्जी को यूज करते हैं फूड को सिंथेसिस करने में, जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोला जाता है, जो बायोलॉजी में आती है। तो इस तरह से जो सनलाइट थी वो एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, वो एक अनलिमिटेड रिसोर्स है। अभी सन की जो लाइफ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है, सन की जो एज है, जो एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। अभी ये 4.5 बिलियन ईयर्स और चलेगा, तो अभी करोड़ों साल तक अभी ये सन क्या करता रहेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रही है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया। नेचुरल रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स, आर द लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स विच आर यूज बाई ह्यूमंस एंड एनिमल्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ह्यूमंस या एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूज की जाती है। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। इसके अलावा हम लोग प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं, तो ह्यूमंस के लिए जो प्लांट्स है वो नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमंस के लिए एयर नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और ह्यूमंस के लिए वाटर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। अब इसी तरह से जो रिसोर्सेज नेचर में मिल रहे हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो अपने आप बने हैं, हमें बनाने नहीं पड़े। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हम क्रिएट करते हैं दैट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, और आप उनको बोल सकते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज विच आर प्रोड्यूस बाय द मैन, विच आर प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस, ह्यूमंस ने जिनको प्रोड्यूस किया है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उसके अंदर क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन एक सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है, एक मशीन के थ्रू किया जा रहा है, तो ऐसा कर रहे हैं हम, तो वो कैसा रिसोर्स होगा, वो आर्टिफिशियल रिसोर्स होगा। तो ह्यूमंस ने इसको बनाया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक प्लांट बनाया, एक मशीन बनाई जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो कौन सा रिसोर्स होगा, वो आर्टिफिशियल रिसोर्स होगा। एनीवेज आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, नेचुरल रिसोर्सेज की। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर यूज बाई ह्यूमंस एंड एनिमल्स, विच आर यूज बाई ह्यूमंस एंड एनिमल्स। And the classification of natural resources is inexhaustible natural resource and exhaustible natural resource. Inexhaustible natural resource क्या बताया गया है आपको? इसमें आपको बताया गया कि ये resources unlimited quantity में, आप इसको जितना भी use करना चाहें कर सकते हैं, ये exhaust नहीं होंगे, ये खत्म नहीं होंगे। Okay, after that I have explained, it is written here, are not likely to be exhausted by human activities, और human activities के through ये खत्म नहीं होंगे, ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे, एग्जॉस्ट नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे। तो दीज आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म नहीं होने वाले, अनलिमिटेड है। एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर, एग्जाम्पल है सनलाइट एंड एयर। तो सनलाइट के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि सनलाइट जो है वो सन से आती है, रेडिएशन के फॉर्म में आती है, इस फॉर्म में लाइट की फॉर्म में। सन से जो एनर्जी हम तक पहुंच रही है, अर्थ तक आ रही है, या दूसरे प्लेनेट तक जो एनर्जी पहुंच रही है, वो किस फॉर्म में जा रही है, वो लाइट की फॉर्म में जा रही है, रेडिएशन की फॉर्म में जा रही है। तो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है हम उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी पर सेकंड में बिलियंस ऑफ जूल की आती है, अर्थ पर जो अर्थ का सरफेस है वो पर सेकंड में बिलियंस ऑफ जूल की एनर्जी को गेट करता है, पाता है। अब उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट क्यों एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस करते हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं,
इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉपिक लिविंग बींग्स है वो, जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर एनर्जी, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो रहा कि सन से जो एनर्जी आ रही थी वो प्लांट्स ने अगर एब्जॉर्ब कर ली तो वो कम हो जाएगी, तो वो कम नहीं होगी। अभी एक सेकंड में वो बिलियंस ऑफ जूल की एनर्जी दे रहा है, तो नेक्स्ट सेकंड में वो बिलियंस ऑफ जूल की एनर्जी ही देगा, तो उसकी एनर्जी में कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही। और सन की जो एज है वो मैंने क्या बताई थी, एज ऑफ सन इज 4.5 बिलियन ईयर्स। इतने साल पहले सन बना था, दिस इज द एज ऑफ सन, और अभी इतने साल और चलेगा, तो इसकी टोटल लाइफ कितनी है, 9 मिलियन ईयर अप्रोक्सीमेट। लगभग सन की, हमारा जो सन है उसकी जो लाइफ है वो कितनी है, 9 बिलियन ईयर। इसको एवरेज स्टार बोला जाता है, ये ना तो बड़ा स्टार है ना ही ज्यादा छोटा है, एवरेज स्टार है। तो इसकी जो एज है वो लगभग, इसकी जो लाइफ है वो लगभग कितनी है, 9 बिलियन ईयर, जिसमें से 4.5 बिलियन ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे कितने, 4.5 बिलियन ईयर्स और बचे। तो अभी ये 4.5 बिलियन ईयर तक एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा, क्योंकि उसमें जो भी हाइड्रोजन है वो हीलियम गैस में कन्वर्ट होगी। हाइड्रोजन गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीलियम गैस में, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी हम तक आ रही है लाइट की फॉर्म में। वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, लाइट की फॉर्म में, इसीलिए क्या लिखा गया, सन लाइट, सन की लाइट। सेकेंड नेचुरल रिसोर्स, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स इज एयर। एयर भी एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। मोस्टली एयर के अंदर कौन से कॉम्पोनेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज इन द 70, नाइट्रोजन द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 78% इन द एयर एंड ऑक्सीजन इज 21%। और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन 21% है। तो एयर का कॉम्पोजिशन क्या है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज है मोस्टली, ज्यादातर, और CO2 गैस भी है कुछ क्वांटिटी में, 0.1% के आसपास CO2 गैस भी है। तो इस तरह से ये बना एयर का कॉम्पोजिशन। अब एयर कब तक फ्लो होती रहेगी, जब तक सनलाइट आएगी। जो एयर है वो ब्लो क्यों करती है, एयर जो है जब वो ब्लो करती है, जब वो बहती है तो उस समय उसको विंड बोला जाता है। एयर जब ब्लो करती है, जब बहती है, तो उसको उस समय क्या बोला जाता है, उसको विंड बोला जाता है। तो एयर के फ्लो को हम लोग विंड बोलते हैं। अब विंड जो है वो क्यों चलती है, उसका कारण है सनलाइट। अर्थ के ऊपर किसी जगह पर हीट एनर्जी, किसी जगह पर सनलाइट ज्यादा आ रही है तो वो गर्म हो जाता है सरफेस, किसी जगह पर सनलाइट नहीं आ रही है तो वो ठंडा हो जाएगा। जैसे कि पोल्स हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, वहां पर लिमिटेड अमाउंट में लाइट आती है, तो इस कारण से वहां पर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है, आइस स्टेट में मिलता है। तो क्या हुआ, जो सन की जो एनर्जी है वो सब जगह पर एक जैसी नहीं आ रही। जो लैंड है, जो जमीन है, वो इक्वली हीटेड नहीं हो रही, अनइवन हीटिंग हो रही है। अनइवन हीटिंग का मतलब है कि सब जगह पर जो अर्थ है वो अलग अलग तरीके से गर्म हो रही है, किसी जगह पर टेम्परेचर ज्यादा है, किसी जगह पर टेम्परेचर कम है। इस कारण से विंड जो है वो चलती है, और जो विंड है, जो एयर है, वो कहाँ से कहाँ जाएगी, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। वो हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन की तरफ फ्लो होती है। या फिजिक्स में स्टडी करेंगे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होता है, हालांकि आपको पता होना चाहिए फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो सनलाइट के कारण किसी जगह पर जो अर्थ है वो गर्म होगी और किसी जगह पर ठंडी होगी। इस कारण से जो विंड है, जो एयर है, वो हमेशा फ्लो करती रहती है। इस कारण से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा फ्लो करते रहते हैं। और एक रीजन और है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस एयर को बाहर नहीं जाने देता, स्पेस में नहीं जाने देता। तो ये पार्टिकल्स अर्थ के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते रहते हैं, जिससे विंड चलती है, हवाएं चलती हैं। ओके, तो ये एयर भी एक अनलिमिटेड रिसोर्स है। ये अनलिमिटेड रिसोर्स कैसे हुआ, ये अनलिमिटेड रिसोर्स कैसे हुआ, हम लोग एयर को यूज कर सकते हैं ना, हम लोग एयर को यूज कर सकते हैं विंड मील में। देखिए विंड मील किस तरह से काम करती है, विंड मील का कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर एक तो रोटर लगा होता है इस तरह से, एक फैन लगा होता है, और इसके पीछे जनरेटर लगा होता है। फैन के जस्ट पीछे क्या होता है, जनरेटर, और ये एक टावर के ऊपर इस तरह से लगा होता है, दिस इज नोन एज विंड व्हील। ये विंड व्हील होती है। अब यहां से हवा आती है, विंड आती है, हवा जैसे ही इसके ब्लेड से टकराती है, ये ब्लेड क्या करते हैं, रोटेट होते हैं,
ब्लेड जो है इस, ये जो शाफ्ट है इसको रोटेट करते हैं, और ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट एक तरह की रॉड होती है, तो जब ये ऐसा ब्लेड घूमेंगे तो शाफ्ट रोटेट होगी, शाफ्ट के रोटेट होने से जनरेटर चलेगा, और जनरेटर के चलने से क्या प्रोड्यूस होगी, जनरेटर के चलने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, जनरेटर से क्या प्रोड्यूस की जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हवा आकर के इससे टकराएगी तो क्या वो कम हो जाएगी या वो ज्यादा हो जाएगी, अंतरणों, वो तो टकरा करके इससे अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। बस यहाँ से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आए जो इस इसके फैन के ब्लेड के साथ टकराते हैं, और टकरा करके वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना वो पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए, नो, वो पार्टिकल डिस्ट्रॉय नहीं हुए, सिर्फ वो आकर के इससे कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकराने के कारण वो इस पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगने की वजह से ये फैन ऐसा रोटेट करना शुरू कर देते हैं। फैन के रोटेट होने से जनरेटर घूमते हैं, जनरेटर के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जनरेटर के चलने से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर मैं इस विंड को, जो हवा चल रही थी, अगर मैं उसको यूज कर भी लूंगा विंड मिल को घुमाने में, तो वो एयर खत्म थोड़ी ना होगी, वो तो अभी भी फ्लो करती रहेगी, किसी और डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी। वाटर के साथ भी ऐसा ही है, वाटर के साथ भी ऐसा ही है। उसको बोला जाता है हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वाटर से। अब रिवर के अंदर वाटर तो फ्लो कर ही रहा था, जैसे मान लीजिए ये हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, यहां पर ये ऐसा वाटर फ्लो कर रहा था। मैंने रास्ते में क्या किया, मैंने रास्ते में एक हाइड्रो पावर प्लांट बना दिया, तो वाटर इसके अंदर से फ्लो होकर के दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। वाटर इसके अंदर से फ्लो होकर के कहां से बाहर आ जाएगा, दूसरे साइड से ऐसा बाहर आ जाएगा। लेकिन ये विंड पावर प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रो पावर प्लांट क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी। आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाइड्रो पावर प्लांट, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी आगे की क्लास के अंदर आपको ये प्लांट के बारे में भी समझना होगा, 10th क्लास में ये टॉपिक आएंगे हाइड्रो पावर प्लांट के। तो वाटर यहाँ से फ्लो होकर के आ रहा था, माउंटेन से फ्लो हुआ, चट्टानों से, रॉक से फ्लो होकर के नीचे की तरफ आ रहा था, हमने रास्ते में पावर प्लांट लगा दिया, तो वाटर उस पावर प्लांट के अंदर जाता है और जनरेटर को घुमा देता है, जनरेटर को घुमा करके दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। अब क्या वाटर इसमें यूटिलाइज हो गया, क्या वाटर इसमें खर्च हो गया, आंसर है नो, वाटर इसमें खर्च नहीं हुआ। क्या हुआ, सिर्फ हमने फ्लो, जो वाटर फ्लो हो रहा था उसकी एनर्जी को तो यूज किया। अगर ये फ्लो हो रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने यूटिलाइज कर लिया, क्या बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। लेकिन वाटर की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। अगर 100 लीटर वाटर यहाँ से आया था तो यहाँ से भी कितना बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 100 लीटर वाटर बाहर निकलेगा। अगर 100 लीटर पानी इधर से आ रहा है तो इस हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जाने के बाद दूसरी तरफ से 100 लीटर पानी ही आएगा। जो वाटर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो बताइए इसको किसमें काउंट करें, एग्जॉस्टिबल में या इनएग्जॉस्टिबल में। तो इसको हम इनएग्जॉस्टिबल सोर्स में लिख सकते हैं, तो वाटर भी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आएगा। और वाटर जो है वो रिचार्ज भी तो होता है, रिन्यू हो जाता है। जो वाटर है वो रिचार्जेबल है, रिचार्ज हो जाता है। कैसे रिचार्ज होता है, नेचर इसको रिचार्ज करता है। वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये ओशियन था, ये वाटर था, यहाँ पर ये एक सी है, और यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी। सनलाइट पड़ने से क्या होगा, वाटर इवापोरेट होगा, इवापोरेट होकर के धीरे धीरे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सन है, सन से सनलाइट पड़ेगी वाटर के ऊपर, तो ये वाटर इवापोरेट होकर किसमें बन जाएगा, क्लाउड्स में फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्लाउड ऐसा फ्लो होकर के हवा के साथ बह करके आगे जाएंगे और किसी माउंटेन से जाकर के टकरा जाएंगे। जैसे ही टकराएंगे यहाँ पर स्नोफॉल हो जाएगा, ये स्नोफॉल हो जाएगा, बर्फ आ जाएगी यहाँ पर। अब ये स्नो, ये जो बर्फ है, ये जब मेल्ट होगी तो वाटर फिर से फ्लो होगा रिवर्स के अंदर। अब रिवर आगे जाकर के लास्ट में किसमें मिल जाती है, रिवर वाटर जो होता है वो लास्ट में जाकर के किसमें मिल जाता है, वो ओशियन में ही तो जाता है। वो लास्ट में जाकर के वाटर किसमें चला जाता है, वो ओशियन में चला जाता है। तो अल्टीमेटली यही तो क्या है, इसी को तो क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल है, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको। सनलाइट के कारण सी वाटर
क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है, क्लाउड्स जाकर के माउंटेन्स के आसपास जाते हैं और वहां पर स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल होकर के वो स्नो जब समर्स आते हैं, जब गर्मी आती है तब वो वाटर मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर के रिवर के अंदर वाटर फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो जो रिवर के अंदर वाटर फ्लो है वो रिचार्जेबल है, हर साल नदियों के अंदर पानी आता है, बहता है, लगातार बहता रहता है, दिस इज ड्यू टू द वाटर साइकिल। तो वाटर को हम लोग किस में रखेंगे, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में रखेंगे, क्योंकि वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, वो रिचार्ज हो जाता है। और अर्थ के ऊपर क्या है, 71% वाटर ही तो है, अर्थ पर 71% क्या है, वाटर ही तो है, H2O, ओशियंस के अंदर पानी तो भरा हुआ है, तो ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, वाटर है, लैंड कम है, तो ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन हम इसको पॉल्यूट कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं फिर दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स बना रही है ताकि वाटर पॉल्यूशन कम से कम हो। आप ये बोल सकते हैं कि वाटर की क्वांटिटी कम नहीं है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कम है नेचर के अंदर, जो फ्रेश वाटर है वो कुछ परसेंट के अंदर ही है, 4% 5% के अंदर ही है, बाकी सारा का सारा कौन सा है, ओशियन वाटर है, सी वाटर है, सॉल्टी वाटर है। तो इस तरह से अगर वाटर की बात करें तो वो तो इनएग्जॉस्टिबल है, अगर वाटर की बात करें वो तो इनएग्जॉस्टिबल है, वाटर साइकिल से ये वाटर बार बार रिचार्ज होता रहेगा, बार बार ये रिवर में फ्लो होता रहेगा, और हम उस जो रिवर के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है उस फ्लो को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। लेकिन अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो अगर हम फ्रेश वाटर को भी पॉल्यूट कर देंगे तो ह्यूमंस और एनिमल्स और लिविंग बींग्स के लिए वाटर नहीं बचेगा। तो फ्रेश वाटर को आप क्या बोल सकते हैं, फ्रेश वाटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्जॉस्टिबल बोल सकते हैं, कि वो एग्जॉस्ट हो सकता है, फिर उसको रिचार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 4 months, 5 months, 6 months, 1 year ऐसा हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स विच इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का क्या मतलब है, जो रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, विच आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड अमाउंट इन द नेचर, नेचर में जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है उनको क्या बोला जाता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ये रिसोर्स क्या हो सकते हैं, ये रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। जैसे कि कॉल, अभी एक एग्जाम्पल लिखा और भी एग्जाम्पल उसमें यहां लिख देता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ, here I am writing the examples of exhaustible resources. Exhaustible resources are coal, petroleum, trees भी लिख सकते हैं, उनको भी दोबारा produce होने में time लगता है। तो ये natural resources हो जाएंगे जो क्या हो सकते हैं, जो exhaust हो सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं मिनरल्स, लिख सकते हैं मिनरल्स जिसके थ्रू हम लोग मेटल्स को गेन करते हैं, ट्रीज लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें मिनरल्स लिख सकते हैं, मिनरल्स के अलावा हम लोग कोल, पेट्रोलियम, ट्रीज, मिनरल्स। ओके, तो ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए कोल, कोल जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, अर्थ के अंदर मिलता है, उसको हम निकाल रहे हैं, पर डे बिलियंस ऑफ किलोग्राम कोल को निकाला जा रहा है, बहुत सारा कोल जो है वो क्या कर दिया जाता है, अर्थ से निकाल लिया जाता है और हम उसको पावर प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट के। पहले रेल इंजन को चलाने के लिए कोल का यूज किया जाता था, जिसको स्टीम इंजन बोलते थे, स्टीम इंजन बोला जाता था, रेल के अंदर लगा था ना, तो उसको चलाने के लिए भी कोयले को जलाया जाता था। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ के अंदर मिलता है ये पेट्रोलियम, जिसको क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, ये पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज क्रूड ऑयल। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे ब्रीफली, अलग अलग डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को। ट्रीज, ट्रीज भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि अगर कोई हमने ट्री को कट कर दिया और उससे हमने फर्नीचर बना लिया, वुड का यूज किया और फर्नीचर बना लिया, तब उस ट्री को ग्रो होने में कम से कम 7-8 years लग जाएंगे पूरी तरह से ग्रो होने में। तो वुड को दोबारा गेन करने के लिए आपको 10 years का वेट करना पड़ेगा। तो ये रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ये रिसोर्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने ट्रीज को इतना ज्यादा कट कर दिया कि जिससे एनिमल्स भी मरने शुरू हो जाएंगे, तो
तो इम्बैलेंस हो जाएगा, बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। अब जो एनिमल्स ट्रीज के लीव्स को यूज करते हैं, खाते हैं, तो अगर ट्रीज नहीं रहेंगे तो वो खा नहीं पाएंगे, लीव्स नहीं मिलेंगी तो वो खा नहीं पाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से एनिमल्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो पूरी की पूरी ये जो चैन होती है जिसको बायोलॉजिकल चैन बोला जाता है, वो चैन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। मिनरल्स यूज किए जाते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें मेटल्स होती हैं, और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, फिर वहां से हम लोग क्या गेन कर लेते हैं, वहां से हम लोग मिनरल्स को गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर सकते हैं। कौन से वाले, कोल, पेट्रोलियम, ट्रीज एंड मिनरल्स, जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे जो लास्ट में खत्म हो जाएंगे। अब रेज हैंड कीजिए इफ यू हैव एनी डाउट। तो देखिए कल हम डिस्कस करेंगे इसके बाद के टॉपिक्स के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्लासिफिकेशन है, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।